वेलकम बैक टू थ्री पाकिस्तान। सर जी, हीरा मानी को पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड और लाइवली आर्टिस्ट माना गया है। उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट होस्टिंग से किया और उनकी पहली होस्टिंग उनके शोहर मानी के साथ थी, जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हैं और हमेशा उनकी तारीफ करती हुई नजर आई हैं। होस्टिंग के बाद हीरा मानी ने एक्टिंग में भी कदम जमाए और बहुत ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन हीरा मानी हमेशा दिल की बात बोलती हैं और जो उनके दिल में होता है, जो सच्चाई होती है, हमेशा वो बोलती हैं, चाहे उसके कोई भी नतीजे निकलें, लोग उसके बारे में कुछ भी सोचें। तो रिसेंटली वो एक शो में मौजूद थी और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक ऐसी हकीकत बताई अपने बारे में, जिसके बाद उन्हें शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिले पब्लिक की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा दिल फेंक हूँ। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी उनको मिल सकते थे, लेकिन उनके दिल में जो था उन्होंने वो बोला। क्या बोला, किस तरह से बोला और मजीद डिटेल में मैं आप लोग से यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। अच्छा हीरा जी, अगर मानी से शादी ना करती हाँ तो आज भी इस फील्ड में होती? मानी से शादी ना करती तो मेरी 5-6 शादियाँ होती। वो हाँ, वो कैसे? क्योंकि मैं बहुत दिल फेंक किस्म की लड़की थी। दिल फेंक किस्म की लड़की? हाँ हाँ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मानी मिला तो वो मुझे मेरी पसंद का मिला, वो नहीं मिलता तो मुझे ये भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था। मानी भाई, थोड़ी तरक्की दी राज रुकावट ने। तरक्की तो ज्यादा हो गई ना, देखें स्टार बन गई मैं। लेकिन हाँ, मैं मानिस की बीवी नहीं होती तो मेरी बहुत सारी शादियां हुई। सो जी, अच्छी बात है कि हीरा मानी को उनका ड्रीम पार्टनर मिल गया और उसके बाद वो अब बहुत ही सेटल लाइफ गुजार रही हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।